नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आने वाले सभी SSC एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़। तो आज हम देखेंगे अपनी सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आइए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए एओ ह्यूम, ऑप्शन बी जॉर्ज यूल, ऑप्शन सी हेनरी कॉटन या फिर ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। तो दोस्तों, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट कौन थे, ना कि कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसीलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी जॉर्ज यूल। तो आइए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं जिस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की फॉर्मेशन कब हुई, कहाँ हुई, किसने की और फॉर्मेशन के टाइम इसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो आपको याद रखना है कि कांग्रेस की फॉर्मेशन एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम ने 25 दिसंबर 1885 को की थी, और इसकी फॉर्मेशन के टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट में वाइसरॉय कौन थे। तो उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन, और कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन पहले भी SSC पूछ चुका है, तो कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द कॉल ऑफ बैक टू वेदर्स इज गिवन बाय, यानी कि वेदों की तरफ लौट आओ की पुकार किसने दी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमारे पास है ऑप्शन ए महात्मा हंसराज, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या फिर ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी स्वामी दयानंद। तो आइए अब देखते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो स्वामी दयानंद वाज फाउंडर ऑफ आर्य समाज, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में बॉम्बे में। हाँ, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है SSC में कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया। तो ये आपको याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया। मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में शिकागो में, तो कौन से ईयर में किया था। तो आपको याद रखना है वो किया था 1893 में। ठीक है फिर, तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच मुस्लिम लीडर ज्वाइंड द होम रूल लीग फाउंडेड बाय एनी बेसेंट। एनी बेसेंट द्वारा फाउंड की गई होम रूल लीग को किस मुस्लिम लीडर ने ज्वाइन किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना। एनी बेसेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है SSC का, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनसे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देख लेते हैं। तो एनी बेसेंट भारत में कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट थी। इसके अलावा ये फाउंडर रही हैं सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, और भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है भारत में लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी को भारत में लेके आई थी एनी बेसेंट। तो अब दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। आप सभी को ये बताना है कि भारतीय महिला जो कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट बनी वो कौन थी। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल फाउंडेड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन इंडिया। तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के अलग डिपार्टमेंट बनाने से पहले PWD आर्मी के ही अंडर आता था।
जिस कारण आर्मी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी ब्रिटिशर्स की इंडिया में रोड्स वगैरह की डेवलपमेंट पे। तो जब ये पीडब्ल्यूडी अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, उसके बाद इन सभी पे काम बनना शुरू हो गया था। तो आइए अब इनसे रिलेटेड भी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो देखिए, भारत में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम और रेलवे लाइन दोनों ही इंट्रोड्यूस की गई थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। अब आपको ये भी याद रखना है कि भारत में पहली इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइन थी कलकत्ता से आगरा तक, और पहली रेलवे लाइन थी बॉम्बे से ठाणे तक। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने भारत में एक सिद्धांत इंट्रोड्यूस किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसका बहुत विरोध किया गया था भारतीय राजाओं के द्वारा। दोस्तों, इस सिद्धांत में ये था कि अगर कोई भारतीय राजा जिसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसका राज्य डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अधीन हो जाता था, जिसके कारण इसका विरोध हुआ। तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन पे क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट साइटेड द ड्रेनो वेल्थ इन हिज बुक। ड्रेनो वेल्थ एक थ्योरी है जिसमें ये बताया गया था कि किस प्रकार अंग्रेज जो हैं वो भारत से सारा पैसा और सारा वेल्थ निकाल के ब्रिटेन लेके जा रहे हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन है ऑप्शन ए दादा भाई नायरो जी, ऑप्शन बी आर सी दत्ता, ऑप्शन सी जादूना सरकार, और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए दादा भाई नायरो जी। दादा भाई नायरो जी जिन्हें की एक और नाम से भी जाना जाता है, इम्पोर्टेंट नाम है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने ही पहली दफा ड्रेनो वेल्थ थ्योरी को अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा था। इनके रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये कांग्रेस के कैलकटा सेशन के प्रेसिडेंट थे, जो कि 1906 में हुआ, और इसी सेशन में कांग्रेस ने स्वराज एज ए गोल अडॉप्ट किया था, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। और इसके अलावा दोस्तों आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि कांग्रेस का सूरत स्प्लिट जिस सेशन में हुआ, वो सेशन कौन से साल में हुआ था कांग्रेस का। तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। और आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस कब आए। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1915 में गांधी जी भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो वो डेट थी 9 जनवरी 1915, जब गांधी जी भारत वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। और इसी दिन को, यानी कि 9 जनवरी को, हर साल हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 AD। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कौन सा कोर्ट था इनमें से जो भारत में एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ फोर्ट विलियम्स। तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कैलकटा में कौन सी ईयर में। तो साल था दोस्तों 1774। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स वॉज ऑथर्ड बाय महात्मा गांधी। तो ये कुछ किताबें हैं जिनमें से महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई कौन सी किताब है, ये हमें बताना है। तो इसमें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई किताब है हिंद स्वराज, ऑप्शन ए। और इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, माई ट्रूथ इंदिरा गांधी से रिलेटेड है, और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक हैं एस राधा कृष्णन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।